क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक। क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक। मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक से आ रही है? एंड ऑफ कोर्स ये कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही रिस्की है, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सोच समझ के करें। एंड ऑनलाइन स्कैमर्स बहुत हैं, उनसे डेफिनेटली बच के रहो। टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आएंगे आपको मेरे नाम से, मेरी फोटो लगा के, प्लीज़ बच के रहो। एंड गाइस, यस्टरडे मैं बात कर रहा था आप लोगों से किस तरह से, आई थिंक मैंने ये ट्वीट किया था कि आप किस कैसे क्या फॉलो करते हो। आप टीवी न्यूज़ को फॉलो करते हो, मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया को फॉलो करते हो, या फिर आप इंटरनेट पे ज़्यादा यूज़ करते हो और एक्चुअली राइट सोर्सेज देखते हो, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, भले इंटरनेट पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इंटरनेट पे फेक न्यूज़ नहीं होती, ऑफ कोर्स इंटरनेट पे भी फेक न्यूज़ होती है, टीवी पे भी, मेन चैनल्स पे भी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। एंड मेनली जो मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है वो यही करते हैं वो लोग, या तो आप लोग को फेक न्यूज़ देते हैं, या फिर वो न्यूज़ को इतना ट्विस्ट कर देंगे ना, इतना ट्विस्ट कर देंगे कि आप कंफ्यूज कर देंगे, या तो आपको डरा देंगे। तो यही होता है, आई मीन मेरे एक्सपीरियंस में तो 100% मोस्टली मैंने यही देखा है, या तो फेक न्यूज़ है, या तो उसको ट्विस्ट कर दिया इतना कि आपको कन्फ्यूज़ कर देंगे। और ऐसा कुछ आज इंडिया में ही हुआ, इंडिया में भी हुआ क्रिप्टो को लेके। और ये कोई नई बात नहीं है, आई मीन कोई ना कोई कुछ ना कुछ फंड फैलाते रहता है, और आज वापस इंडिया में हुआ। एंड एट द एंड ऑफ द डे फिर आपने किसको फॉलो किया, कहाँ से आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिली? इधर आपने क्रिप्टो कानून के ट्वीट को देखा, या क्रिप्टो कानून के सोर्स को देखा कि उन्होंने क्या बोला है, या फिर आपने कॉइन क्रंच के आर्टिकल को देखा, उन्होंने क्या बताया है इस न्यूज़ के बारे में। तो एट द एंड ऑफ द डे द ऑल्टरनेट मीडिया, जो इनफैक्ट मैं कल बता रहा था आप लोगों को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी न्यूज़ आती है, भले वो इंटरनेट पे हो या टीवी पे हो, आप उसको उसके सोर्सेस को वेरीफाई करो, क्योंकि अदरवाइज ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, वो डराने का काम है, लोगों को डरा के रखती है। आपको क्या लगता है कि इंडिया में बिटकॉइन और क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स इतना अभी तक क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं, मतलब इन्होंने डरा के रखा हुआ है, बस बिटकॉइन और क्रिप्टो इलीगल है, एंड वॉट नॉट। आई मीन ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग डरे हुए रहते हैं, और वो लोग ऑल्टरनेट मीडिया या फिर सोर्सेस फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते। उनको लगता है कि जो न्यूज़ पे चल रहा है, या जो न्यूज़पेपर में लिख के आ गया, और जो इतने बड़े मीडिया हाउसेस ने जो बोला है वो सच है, अपनी खुद की रिसर्च करते नहीं। अगर उनको खुद की रिसर्च करें तब उनको मालूम पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, बट यही उनका काम है। एनीवे, आपको आई थिंक उसका क्रक्स तो मिल ही गया होगा, जो भी आज न्यूज चल रहा है इंडिया में। अगर आपने नहीं किया तो कॉइन क्रंच को फॉलो कर सकते हैं, उन्होंने ब्यूटीफुल आर्टिकल लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे जस्ट टू कट इट शॉर्ट, आई थिंक इसको मेरे को फिनिश कर देना चाहिए इसके पहले आगे बढ़ूँ। तो बेसिकली यहाँ पे एक नोट था, अ नोट हैज़ बीन मूव्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस। ओके, सो बेसिकली एक डिस्कशन होने वाला है क्रिप्टो और बिटकॉइन पे, डिस्कशन होने वाला है। तो डिस्कशन होने का मतलब ये नहीं कि बैन होने वाला है। ओके, डिस्कशन होना मतलब क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में बात हो रही है, मतलब बैन की बात हो रही है। बट इनका 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 जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आपको इस तरह से प्रेजेंट करती है, क्योंकि वही बिकता है ना, अदरवाइज क्यों आप क्लिक करोगे? आप बताओ, आप न्यूज़ आर्टिकल पे क्यों क्लिक करोगे? जब आपको डराएंगे तभी तो क्लिक करोगे। तो यही होता है। बट एनी वे, आई थिंक मार्केट, लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट 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 मार्केट, सो मार्केट जंप हुआ है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है मार्केट में। आई एम श्योर अगर आप जो भी ट्रेड कर रहे हो तो बी केयरफुल, बिकॉज आपको पता है कि मार्केट कैसी है। तो मैं तो डेफिनेटली कोई पोजीशन नहीं लेके बैठा हूँ, बट अगर आप लेके बैठे हो तो डेफिनेटली बी केयरफुल। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना था, ये डिलीट भी हो गया है मेरे ख्याल से। सो एक बंदा है जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेटर। ओके, सो इनका नाम है ब्रायन ब्रूक्स। ओके, ब्रायन ब्रूक्स, अब ब्रायन ब्रूक्स के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रायन ब्रूक्स ही वॉज विथ कॉइन बेस। आपको पता है कॉइन बेस क्या है? कॉइन बेस US का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आ रहा है। तो इन्होंने कॉइन बेस का लीगल साइड इन्होंने संभाला है, ब्रायन ब्रूक्स। ओके, और ऑलमोस्ट दो साल कॉइन बेस के साथ इन्होंने स्पेंड किया। इनकी आई एम नॉट श्योर कौन सी जॉब थी, बट इन्होंने कॉइन बेस के साथ काम किया है। तो कॉइन बेस एक एक्सचेंज है। अब इनकी पोजीशन गवर्नमेंट में है, इनकी पोजीशन ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ द करेंसी है, जो बेसिकली ये लोग सारे बैंक्स को, जो USA में सारे बैंक्स हैं
उनको उनको मॉनिटर करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं प्रॉब्ली, इंश्योरिंग अ सेफ एंड साउंड फेडरल बैंकिंग सिस्टम फॉर ऑल अमेरिकन. सो ये बंदा बहुत बड़ी पोजिशन पर चला गया है. आप सोचो, आई मीन ये बंदा पहले ऑफकोर्स क्रिप्टो में था, बट ये बंदा अब यू नो OCC का ऑफिस संभाल रहा है. और OCC का मैं एक्चुअली वेबसाइट पे गया था और आप देख सकते हो कि इनका बहुत बड़ा पोजीशन है. और इन्होंने एक इंटरव्यू किया अभी कॉइन डेस्क के साथ. ओके, कॉइन डेस्क आपको पता है, कॉइन डेस्क के साथ ऑलमोस्ट आई थिंक ओके ऑलमोस्ट अच्छा मैं इसको प्ले नहीं करूँगा नहीं तो डीमोनेटाइज हो जाएगा वीडियो. अराउंड कुछ 12 या 12-13 मिनट का वीडियो है और मैं चाहता हूं कि आप देखो जरूर, क्योंकि मैंने देखा ये बंदे ने क्रिप्टो की बात किया है, बिटकॉइन की बात किया है, डीफाई की बात किया है. और ये बंदा रेगुलेटर है, ये बंदा सेंट्रल बैंक की एक पोजीशन पे है. ओके, जैसे मैंने बताया OCC ऑफिस ये लोग बोलते हैं, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी. इस ऑफिस का ये ऑफिस संभाल रहा है, यहाँ का हेड है. और वो बंदा क्रिप्टो, बिटकॉइन, डीफाई के बारे में बात कर रहा है, उसकी पोटेंशियल की बात कर रहा है. इनफैक्ट मैं ये इंटरव्यू देख रहा था, ये इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से डीफाई जो है बेटर एक बैंकिंग अल्टरनेटिव है. तो बेसिकली जो काम अभी तक बैंक्स कर रहे थे वो काम आप कोड के जरिए कर सकते हो, वो काम आप एल्गोरिदम के जरिए कर सकते हो, ऑटोमेटिक सिस्टम्स कर सकते हो. तो ये इन्होंने यहाँ पे बात किया. तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है एटलीस्ट मेरे लिए कि बॉस, एक बंदा जो रेगुलेटर्स की पोजिशन पर है, जो सारे बैंक्स को हेड कर रहा है या फिर मॉनिटर कर रहा है, वो क्रिप्टो, बिटकॉइन और डीफाई की बात कर रहा है. इनफैक्ट यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जितने भी US के क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो फर्म्स हैं, उनको रेगुलेशंस की ज़रूरत है एंड वॉट नॉट. सो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है. आई मीन अगर आप सोचो, अगर कोई कंट्री अगर रेगुलेटर अगर उस बिटकॉइन और क्रिप्टो को पॉजिटिवली ले रहा है, उसको रेगुलेशन की बात कर रहा है, तो आई डोंट थिंक कि इंडिया जैसी कंट्री कभी बोलेगी कि यू नो हमको बैन करना चाहिए. ऑफ कोर्स इंडिया को भी आगे जाना है, इंडिया को भी देखना है कि दूसरे कंट्रीज क्या कर रहे हैं, USA क्या कर रहा है, वो लोग कैसे मॉनिटर कर रहे हैं. और आपको पता है क्रिप्टो और बिटकॉइन में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आई मीन इस इंडस्ट्री को बैन करना और इस इंडस्ट्री को यू नो इसको क्या बोलते हैं, बैन करना या फिर कोई रुकावट लाना, ये पूरा आप ग्रोथ रोक रहे हो. आपकी जो भी ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो पूरी रुक जाएगी आपको. क्योंकि अगर आपको एक्चुअली में ग्रोथ करना, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री जो है ग्रोविंग है एंड सभी को इसका हिस्सा बनना. इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़रूरी है और ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे क्रिप्टो में ही है. तो ये आई थिंक इंडिया को समझना बहुत ज़रूरी है. एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे 100% लगता है कि इंडिया कभी बैन नहीं करेगा. कुछ ना कुछ शेड्यूल रेगुलेशंस लाएंगे, जो भी हार्ड हो, सॉफ्ट हो, जो भी हो, बट आई एम श्योर इंडिया में भी रेगुलेशंस लाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी चल रही है. इसके बाद डिजिटल डॉलर. तो आपको पता है कि USA में लोगों को स्टिमुलस चेक देना है, क्योंकि आई थिंक 3 या 4 महीने तक इनको स्टिमुलस चेक देना है, क्योंकि वहाँ पर लॉकडाउन चल रहा था. अभी तो कुछ और ही सीन है वहाँ पर, बट फिलहाल ये जो वहाँ की कांग्रेस है वहाँ पर बात कर रहे हैं लोग, कांग्रेस मतलब वहाँ के जिस सीनेट हैं, ये लोग बात कर रहे हैं कि ये $1200 जो होता है ये कैसे दिया जाए. तो यहाँ पे डिजिटल डॉलर की भी बात हो रही, तो बहुत जल्दी ही यहाँ पे प्रपोजल है कि डिजिटल डॉलर लॉन्च करेंगे और डिजिटल डॉलर के थ्रू लोगों को स्टिमुलस दिया जाएगा. एंड अगेन यहाँ पे ये बंदा जो है, ये CFTC के साथ था पहले, CFTC का रेगुलेटर था, अब ये बंदा डिजिटल डॉलर को हेड कर रहा है. तो ये बंदा आई एम नॉट श्योर आप लोगों को पता है कि नहीं, बट ही इज़ वेरी पॉपुलर. और इनको क्रिप्टो डैड बोला जाता है क्रिप्टो कम्युनिटी में. और इन्होंने डिजिटल डॉलर भी एक्चुअली इन्होंने ये हेड कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट. तो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है. और मैं एक्चुअली वही ट्वीट किया कि यू नो CBDCs तो होने ही वाले हैं. आई एम श्योर जो डिस्कशन हो रहा था ना, जो आपने न्यूज़ देखा कि मिनिस्ट्री जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो है क्रिप्टो को डिस्कस करना चाहती है, ब्लॉकचेन को डिस्कस करना चाहती है, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे यही होने वाला है. यू नो यही वो लोग होने वाला है कि वो लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग CBDC लॉन्च करें क्या, सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी लॉन्च करें कि नहीं. तो यही सब होगा, आई थिंक वो मेन डिस्कशन डेफिनेटली होगा. तो ऑफकोर्स हर एक कंट्री CBDCs लॉन्च करेगी, देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. एंड USA भी लॉन्च कर रही है, सो विच इज़ अ गुड थिंग. दैट्स इट आई थिंक. जेमिनी ग्रो कर रहा है सिंगापुर में. तो जेमिनी एक बंदे को हायर कर रहा है जो ऑलरेडी इसका गोल्डमैन सैक के साथ एक्सपीरियंस है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी हायर्स अ गोल्डमैन सैक एल्यूमिना है. सो बेसिकली ये जो बंदा है ये गोल्डमैन सैक के साथ काम कर सकता था करता था, अब ये जेमिनी का पार्ट है. नाउ ये बहुत पुरानी बात है. इनफैक्ट मैंने 2017 से ही 2017 से ही नोटिस किया कि बहुत सारे जो बैंक्स के एम्प्लॉयज़ हैं वो बैंक्स की नो जॉब छोड़ के या फिर कुछ ना कुछ ये लोग क्रिप्टो की इंडस्ट्री में ये लोग कदम रखना चाहते हैं. भले चाहे या बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद का क्रिप्टो स्टार्टअप चालू किया, भले वो एक्सचेंज हो या फिर भले वो नेटवर्क हो. तो ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बैंकिंग सिस्टम से छोड़ के उन लोग ने क्रिप्टो इकोसिस्टम में वो लोग अपना कदम रख रहे हैं. और जेमिनी ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक्सचेंज है, आपको पता ही है. इन्होंने यू नो यूएसए में तो है ही हैं, यूएसए में तो इनका बर्थ हुआ है, बाद में यूरोप. ओके, सो यूएसए, यूरोप, नाउ एशिया. नाउ एशिया में ये लोग सिंगापुर में चालू कर रहे हैं, सिंगापुर में ये लोग यू नो मार्केट बिठा रहे हैं. तो वो गोल्डमैन सैक वाला जो बंदा है वो सिंगापुर का मार्केट देखेगा. तो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है क्रिप्टो और बिटकॉइन स्पेस, बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है. इस चीज़ को बैन करना आई थिंक मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. बट ये बातें बहुत लोगों को लेट समझ में आएंगी, बट आई होप समझ में आए. बट ऑफकोर्स इसका एडवांटेज जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं, जो आप हैं, आपको डेफिनेटली मिलेगा. सो विच इज़ गुड थिंग. इंडियन गवर्नमेंट टू क्रिप्टो बैन, व्हाट ब्रेव हैज़ यूज्ड रेफरल प्रोग्राम, इट्स नॉट गुड फॉर. हाँ, बट रुडोल्फ ही सेड सॉरी, राइट? मालूम है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था कि ब्रेव ब्राउजर पे जब भी जाओगे तो जो वहाँ पे रेफरल लिंक होता है वो यू नो एक आई थिंक व्हाट्स हिज नेम, उनका रेफरल लिंक था. बट या उनको करना नहीं चाहिए था. आई मीन अगर कर देखो रेफरल लिंक में प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट बता दो कि हाँ भाई रेफरल लिंक, रेफरल लिंक इन इट सेल्फ इज नॉट बैड थिंग. बिकॉज ब्रेव ब्राउजर जो है प्रिवेसी ब्राउजर है, तो ऑब्वियसली सब लोग ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि बॉस यू नो जब आप इसमें ही गड़बड़ कर दिए तो और क्या क्या गड़बड़ कर सकते हो आप हमारे साथ. तो बट ही सेड सॉरी, आई थिंक ही रिमूव्ड इट ऑल्सो, विच इज अ गुड थिंग. सो डैश और एक्सेल एम बी सी एच एल टी सी को क्या हो गया है या क्या शिट कॉइन बन गया है क्या? डैश XMR, XMR कौन सा है? XMR कौन सा है? XML है ना कि XMR है? मोनेरो नहीं यार, मोनेरो कहाँ शिट कॉइन है, मोनेरो तो अच्छा कॉइन है, मोनेरो प्रिवेसी कॉइन है. सो नहीं यार, ऐसा नहीं है कि प्राइस में कुछ नहीं हो रहा है तो शिट कॉइन हो गया या फिर यू नो. सो डैश अच्छा प्रोजेक्ट है, प्राइवेसी कॉइन है, XMR भी अच्छा प्रिवेसी कॉइन है, BCH चल ही रहा है, LTC, आई मीन चारों अच्छे कॉइन है मोहम्मद हुसैन. यार प्राइस में नहीं हो रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ गड़बड़ है, बट या आई होप. आई मीन देखो मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, तो मार्केट के बारे में आपको कोई कुछ नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता कल को क्या प्राइस होगी. बट यस प्रोजेक्ट्स तो अच्छे हैं और सब कॉइन्स अच्छे हैं. रजनीक, सरकार क्रिप्टो बैन करने वाला है. देखो आप भी उसमें से ही हो जो मेन स्ट्रीम मीडिया को ब्लाइंडली फॉलो करते हो. सोर्सेस कोई भी न्यूज़ रहे, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया से हो, चाहे टीवी पे हो, सोर्सेस देखो कि कहाँ से न्यूज़ निकल के आ रही है, कौन बोल रहा है, किधर लिखा है, कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा तब जाके बिलीव करो. अभी ये जो न्यूज़ का बात का बतंगड़ बना है उसका कोई सोर्सेज नहीं था, राइट? सो बट ये सब फट चलते रहता है यार. और इसीलिए तो आपको क्या लगता है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, इंडिया में लोग क्रिप्टो और बिटकॉइन बाइंग करने से क्यों डरते हैं? बिकॉज ये लोग डराते रहते हैं लोगों को और क्या. STMX कॉइन या काफ़ी लोग BCH को 100% शिट कॉइन भी बोलते हैं, तो सबका ओपिनियन है. बट आई थिंक BCH अच्छा करेगा क्योंकि यार उन लोग अडॉप्शन कर रहे हैं. ऑफकोर्स ऐसे तो बहुत सारे शिट कॉइन्स हैं, नंबर 5 पे है मार्केट कैप. बट यस, आपकी खुद की डिसीजन है, आपको जो सही लगे करो. मैं यहाँ पे किसी को एडवाइस करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा हूँ. STMX, अबरार अहमद, STMX क्या होता है? मैंने कभी नहीं सुना है, बट आप बोल रहे हो, लेट्स ट्राई. STMX स्टॉर्म चेन, नो आइडिया भाई साहब. इसकी रैंकिंग देखो आप, बाप रे बाप, इसकी तो बहुत बुरी हालत है. सो आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ नहीं पता है. बट आई एम श्योर अगर आपके पास होगा तो आपको पता ही होगा कि ये चीज़ क्या है
और अच्छी चीज़ है तो फिर होल्ड करो, मुझे नहीं पता उसके बारे में बिल्कुल। और मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, और छोटा मार्केट कैप कॉइन से मैं बहुत ही डरता हूँ, कल को कुछ भी हो सकता है उसके साथ। लेट्स सी, XRP क्वाइन, व्हाट अबाउट XRP क्वाइन? नॉट श्योर, नहीं पता। 0.19 पे ट्रेड हो रहा है आपके सामने मार्केट। हैव यू ट्राई टू गिव एनी सेमिनार प्रोग्राम ड्यूरिंग लॉकडाउन? नहीं रुडॉल्फ, नो, आई एम नॉट श्योर यार। आई मीन लोगों को अनलेस एंड अनटिल पीपल आर इंटरेस्टेड, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई क्रिप्टो और बिटकॉइन पूछता है तो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ पे लोगों के पास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आई मीन दे लोगों को कुछ आई मीन एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और लोग रिसर्च करने के लिए तैयार नहीं है। सो टाइम लगेगा इन सब चीज़ों के लिए। आई थिंक यू नो इंटरनेट किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इंटरनेट अपने आप मेन स्ट्रीम हो गया, सबको पता चल गया कि फेसबुक कैसे काम करता है, गूगल कैसे काम करता है, वीडियो कॉलिंग क्या होती है, व्हाट्सएप क्या होता है। तो आई थिंक उस स्टेज पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है बिटकॉइन क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम होने के लिए, जहाँ पे आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन इज़ मनी बाय डिफॉल्ट, अंडरस्टूड, समझ में आ गया, कोई बताने की नहीं जरूरत है कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। ऑफकोर्स ये मालूम होना चाहिए आई एम श्योर, बट एक दिन ऐसा आएगा कि कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। कोई आपसे पूछता है फेसबुक कैसे काम करता है, अमेजोन कैसे काम करता है, कोई नहीं पूछता, राइट? वीडियो कॉल कैसे काम करता है, तो वहां पे हमको पहुंचना है जहां पे कोई पूछेगा कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। इट्स अ डिफॉल्ट मनी। यस, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। DeFi बिग स्कैम, बी केयरफुल। यस यार, स्कैम आई एम नॉट श्योर उसको स्कैम बोल सकते हो कि नहीं, स्कैम तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, बट DeFi स्कैम नहीं है। DeFi में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो स्कैम हो, जैसे क्रिप्टो स्कैम नहीं है, बट क्रिप्टो में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्कैम हैं। बट DeFi आई एम श्योर बहुत बड़ा बनेगा कुछ सालों में। आइसक्रीम, मिल्क, पानी, क्या बात है, हमें बोल रहा सर। टॉप DeFi कॉइंस, क्या बात है रेमी, सो गुड क्वेश्चन। यस सो यार, बहुत सारे कॉइंस हैं, बट यस देर आर सम टॉप कॉइंस, फॉर एग्जांपल सिंथेटिक नेटवर्क हो गया, मेकर डाओ हो गया, DYDX का नहीं, यूनिसॉप के पास है, बैंकॉर है, काइबर है, तो ये आई मीन कुछ है। आई थिंक मे बी एक मेरे को वीडियो बनानी चाहिए DeFi टोकन्स पे, टॉप DeFi टोकन्स पे, बट यस इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, गुड टॉपिक। एनीवे थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक दबा देना। क्या इंडिया में रेगुलेट होगा बिटकॉइन? वेल मुझे तो लगता है कि रेगुलेट होगा, आई मीन सारे वर्ल्ड में हो रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं होगा। आपको पता है ह्यूमन फाउंडेशन ने क्या किया कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, कल आप लोगों ने देखा लाइव जहाँ पर मैंने शेयर किया था कि ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, ये लोग बिटकॉइन को फंड कर रहे हैं ताकि बिटकॉइन को प्राइवेट किया जा सके। अभी इनको लगता है कि बिटकॉइन प्राइवेट है ही नहीं, एंड एक्चुअली प्राइवेट नहीं है, पब्लिक नेटवर्क है, सारे ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड, ट्रेस किए जा सकते हैं। तो ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन तो बोल रहा है कि बॉस यू नो बिटकॉइन के ऊपर काम कर, कल को कोई कंट्री बैन करेगा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, बॉस व्हाई आर यू बैनिंग, आप बैन क्यों कर रहे हो, बिटकॉइन इज अ गुड थिंग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन। सो ये बहुत चैलेंजिंग होगा किसी भी कंट्री के लिए, अगर बैन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। FATF की गाइडलाइंस है, FATF की गाइडलाइंस फॉलो करना है आपको, और ऑफकोर्स ह्यूमन राइट्स तो है ही, सो बहुत चैलेंजिंग हुआ है, इट्स नॉट ईजी टू बैन क्रिप्टो एंड बिटकॉइन फॉर एनी कंट्री। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो, प्लीज टेक केयर। यस
एंड प्लीज लाइक दबा के जाना. ओके, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो.